अधिकारी फिर गुस्सा हो गए, सोने के कमरे में घुस गए। वहां उन्होंने फटा तकिया नोचना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कवि ने अपने सारे पैसे इस फटे तकिए में छिपा कर रखे हैं। वहां कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने टूटी अलमारी खोली, बच्चों की गुल्लक तलाशी, उसे भी तोड़ा, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिला। कवि कहते हैं, अधिकारी उनके घर में पड़े कनस्तरों को ढूंढने लगे, पानी भरने के मटकों को ढूंढने लगे, चारों तरफ ढूंढा, लेकिन सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। कहीं भी कोई भी धन उन्हें नहीं मिला। कवि के घर के ऐसे हालात देखकर अधिकारियों के मन में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कवि से कहा, माफ कीजिए हमें, किसी की गलत सूचना पर हम आपके यहाँ आ गए थे। और वे जाने लगे। आप जा रहे हैं, शौक से जाइए, लेकिन यदि अगर आपको मेरे घर में कुछ धन मिलता तो आप उसे ले लेते, उसे जब्त कर लेते, लेकिन स्थिति ऐसी है कि आपको मेरे घर में कुछ भी नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में आप मुझे कुछ देकर तो जाइए।